हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर क्लास फिफ्थ ऑफ ईवीएस। हाउ यू ऑल आर फाइन। टेक आउट योर ईवीएस बुक एंड ओपन लेसन नंबर फिफ्थ। कम लेट्स प्ले गेम्स। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेसन? कम लेट्स प्ले गेम्स। Okay, now we are going to read this lesson and you have to put your finger, okay? In different parts of Rajasthan, Rajasthan ke alag-alag parts mein, various games are played in different ways, madari, sitoliya, gilli danda, hide and seek, catch-catch, etc. So, Rajasthan ke alag-alag parts mein, अलग तरीके के गेम्स प्ले किए जाते हैं, जैसे मदारी, सितोलिया, गिली डंडा, हाइड एंड सीक, कैच कैच। इस तरह के ये क्या हैं? दे आर कॉमन गेम्स। ये क्या हैं? कॉमन गेम्स हैं। इस तरह के गेम्स वहाँ प्ले किए जाते हैं। चार बार, चौपड़, लायन गार्ड, अष्टचंग एट्सेट्रा गेम्स आर प्लेड इन हाउसेस, आउटसाइड होम्स, कंट्री साइड्स। और ये जो गेम्स आपने देखे ना, चार बार, चौपड़, लायन गार्ड, अष्टचंग एट्सेट्रा, इस तरह के गेम्स घरों में, यानी हमारे घर के जो मेंबर्स हैं, कई बार वो भी हमारे साथ खेलते हैं, या घर के बाहर जहाँ कुछ लोग इकट्ठा होकर बैठते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी इसे खेलते हैं। ओके, गेम्स आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज ऑन पर्टिकुलर फेस्टिवल। कुछ ऐसे गेम्स भी होते हैं जो पर्टिकुलरली किसी फेस्टिवल के थ्रू खेले जाते हैं, यानी कोई फेस्टिवल हो तब ही उन गेम्स को प्ले किया जाता है। पर्टिकुलर फेस्टिवल यानी पर्टिकुलर फेस्टिवल के दिन ही उन गेम्स को प्ले किया जाए। जैसे मेवाड़ में, मेवाड़ क्या है? राजस्थान का ही पार्ट है। इन मेवाड़ सितोलिया इज प्लेड ऑन मकर संक्रांति। मकर संक्रांति में बाकी सब क्या करते हैं? काइट फ्लाइंग करते हैं। ओके, लेकिन मेवाड़ में सितोलिया प्ले किया जाता है मकर संक्रांति के दिन। काइट्स आर फ्लोन इन वागड़, मारवाड़ एंड ढूंढाड़ में, मारवाड़ में, वागड़ में काइट्स फ्लाइंग की जाती है। ओके, नाउ थिंक एंड टेल व्हाट गेम्स आर प्लेड इन योर विलेज। यू हैव टू राइट हियर। आपके विलेज में या आपकी सिटी में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला गेम कौन सा है? विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट? कौन सा गेम आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? यू हैव टू राइट हियर। विच गेम्स आर प्लेड बाय द एल्डर्स योर होम। आपके नेबरहुड में, आपके घर पर जो गेम सबसे ज़्यादा खेला जाता है, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट गेम हियर। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड डिस्कस अबाउट देम। आपको इन पिक्चर्स को देखना है और उन गेम्स के बारे में डिस्कस करना है। फर्स्ट गेम क्या है? टेबल टेनिस। सेकंड, हॉकी, चेस, रेसलिंग, आर्चरी, क्रिकेट, बिलियर्ड्स, स्काई। ओके, विच गेम्स आर बीइंग प्लेड इन अबव पिक्चर। जितने भी गेम्स हैं यहाँ इन पिक्चर्स के नीचे, जिन गेम्स के नेम दिए हुए हैं, ये आपको लर्न करने होंगे। मतलब इस तरह के गेम्स जो हैं प्ले करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में कितने प्लेयर्स हैं? यू कैन सी टेबल टेनिस, यस, यू कैन सी देयर आर टू प्लेयर्स। इसलिए प्लेयर्स हैं टेबल टेनिस में टू प्लेयर्स। विच गेम्स आर प्लेड आउटडोर इन द ग्राउंड। कौन सा जो गेम है, कौन से गेम जो हैं जो घर के बाहर खेले जाते हैं? दैट इज क्रिकेट, हॉकी। विच गेम्स आर प्लेड इनडोर्स इन द रूम। कौन से गेम्स हैं जो रूम्स में या अपने घर के अंदर खेले जाते हैं? चेस, बिलियर्ड्स। ओके, व्हेन मोर देन वन प्लेयर प्ले टुगेदर। जब एक से ज़्यादा, किसी भी गेम में एक से ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं, तो उसमें एक फीलिंग होती है कॉपरेशन की। कैसी फीलिंग होती है? फीलिंग ऑफ कॉपरेशन, यानी एक दूसरे को सपोर्ट करने की, डेवलप अमोंग। और यही क्या करती है, ये फीलिंग ही क्या डेवलप करती है? उनमें एक स्पिरिट जो है वो उनमें डेवलप करती है, और उसे कहा जाता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। ठीक है, क्या कहा जाता है? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और ये कैसे होती है? जस्ट लाइक आप कोई गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना? क्रिकेट में क्या होता है? दो टीम्स होती हैं। ठीक है, एक वन टीम में जितने भी मेंबर हैं, तो उसमें क्या होता है, उस हर टीम का क्या होता है? कैप्टन होता है। ठीक है, कैप्टन और जो दूसरे जो होते हैं प्लेयर्स, तो कोई भी प्लेयर्स जो किसी भी टीम में है,
प्लेयर्स जो किसी एक टीम में हैं तो वो क्या चाहते हैं कि हमें हमारी टीम के लिए विन करना है, मैच को हमें हमारी टीम के लिए विन करना है। वो ये नहीं देखते कि डिफरेंट टीम में जो नेक्स्ट टीम है उसमें मेरा कोई रिलेटिव है या मेरा कोई ब्रदर है। वो क्या करता है, वो अपनी ही टीम के लिए खेलता है और उसी को विन करने के लिए, उसका उसी की विनिंग के लिए सोचता है। तो ये इस तरह की स्पिरिट क्या कहलाती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। ओके, सो क्या कहते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तो किसी भी गेम में अगर एक से ज़्यादा प्लेयर है और वो उस टीम को विन करने के लिए सोचते हैं कि हम सब मिलके हमारे टीम को विन करने हैं, तो इस तरह की स्पिरिट को क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। गेम विच आर प्लेयड इन द ग्राउंड, जो गेम्स ग्राउंड्स में खेले जाते हैं, जो गेम्स ग्राउंड्स में खेले जाते हैं उनको क्या कहते हैं, आउटडोर गेम्स। द गेम्स विच आर प्लेयड इन क्लोज्ड, और ऐसे गेम्स जो क्लोजली प्ले की जाते हैं, जैसे क्लोजली एरिया में या छोटे छोटे एरिया में या किसी रूम में या घर के किसी आंगन में खेले गए, दे आर कॉल्ड इनडोर गेम्स। उनको क्या बोलते हैं, इनडोर गेम्स। आप इतना समझ लीजिए, जिनमें बाहर ओपन एरियाज में खेला जाता है, ग्राउंड्स में खेला जाता है जिन गेम्स को, उन्हें आउटडोर गेम्स, और जिसको इनडोर इट मीन्स आपके किसी रूम में या किसी बरामदे में, है ना, जो होता है ना ओपन एरिया जो आपके घर में छोटा सा हो वहाँ खेला जाए, तो उसे कहते हैं इंडोर गेम्स। सिंस दूरदर्शन हैड स्टार्टेड टू टेलीकास्ट कबड्डी मैचेस, जैसा आप जानते हैं दूरदर्शन ने टेलीकास्ट करना स्टार्ट किया है इसको, कबड्डी मैचेस को, दिस डेज दिस गेम इज बिकम पॉपुलर, ये गेम बहुत पॉपुलर हो गया है। कबड्डी को दूरदर्शन ने स्टार्ट किया है, टेलीकास्ट किया है दूरदर्शन ने कबड्डी मैचेस को, और ये अब क्या हो गया है, क्रिकेट की तरह, हॉकी की तरह फेमस होता जा रहा है। चिल्ड्रन आर सीन प्लेइंग कबड्डी इन स्ट्रीट ग्राउंड्स, और अब क्या हो रहा है, उनके फेमस होने की वजह से क्या हो रहा है, जैसे क्रिकेट जो है बच्चे छोटे छोटे एरिया में भी खेलना स्टार्ट कर दिया, वैसे कबड्डी भी बच्चों ने छोटे छोटे एरियाज में अपने घर के बाहर की स्ट्रीट्स में खेलना स्टार्ट कर दिया है। एट सम प्लेसेस दे आर सीन प्लेइंग क्रिकेट ऑल्सो, और कई प्लेसेस पे हम देखते हैं कि बच्चे क्रिकेट भी खेलते हैं। क्रिकेट इज प्लेड ऑन अ लार्ज ग्राउंड, क्रिकेट एक बड़े ग्राउंड में खेला जाता है, बट चिल्ड्रन आर सीन, लेकिन बच्चों को देखा गया है खेलते हुए, प्लेइंग इट इन अ स्मॉल प्लॉट्स, जहाँ छोटे छोटे प्लॉट्स होते हैं ना, जहाँ ओपन प्लॉट्स होते हैं जो बने हुए नहीं होते हैं, खाली प्लॉट्स जो होते हैं, वहाँ पे भी बच्चे उसको छोटा सा ग्राउंड लेके और अपना छोटा सा ग्राउंड समझ के वहाँ पे भी इसे प्ले करने लगे हैं। नाउडेज पीपुल हैव बिकम क्वाइट अवेयर ऑफ देयर हेल्थ, और अब इन दिनों में लोग जो हैं अपनी हेल्थ को रहकर भी अवेयर रहने लगे हैं। Hence, yoga is also becoming more and more popular. जैसे कबड्डी दूरदर्शन टेलीकास्ट के बाद बहुत पॉपुलर हो गया, वैसे ही हेल्थ इश्यूज़ को लेकर योगा जो है वो भी अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। Now, come let's know some facts about yoga also. चलो अब हम इसके बारे में देखेंगे, योगा के बारे में, योगा के कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। You can see there are some steps for yoga, है ना, योगा के कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पे। ये एक सूर्य नमस्कार का पोस्चर है, किसका पोस्चर है, सूर्य नमस्कार का, और सूर्य नमस्कार में ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 12 काइंड ऑफ आसन, है ना, 12 तरह के आसन से मिलकर बना है। और इस सारे स्टेप्स, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो आप एक परफेक्ट योगा कर लेते हैं। ओके, अब आगे देखिए, डू यू नो द ओरिजिन ऑफ योगा बीन स्पेक्टुलेटेड डेट बैक टू प्री वैदिक इंडियन ट्रेडिशन। क्या आप जानते हो कि योगा जो है बहुत एंशियंट टाइम्स है, बहुत पुराने टाइम से है। प्रैक्टिस ऑफ योगा इज मेंशन, योगा की जो प्रैक्टिसेस है वो हमारे पुराने ग्रंथों में भी योगा के बारे में डिस्कस्ड है, जैसे ऋग्वेद में है, ठीक है, बट मोस्ट लाइकली डेवलप्ड अराउंड, लेकिन जब ये डेवलप्ड हुए हैं तो वो है 6th और 5th BC century के पहले, ठीक है, 6th और 5th century में ये डेवलप्ड हुए। सी दीज पिक्चर्स, प्रैक्टिस सम आसन्स, इन पिक्चर्स को देखो, जो पिक्चर्स मैंने आपको बताई थी जो सूर्य नमस्कार में है, और आप भी ट्राई करो, कि आप स्टूडेंट्स को भी ट्राई करना चाहिए कि इस तरह के जो है
योगा की जो स्टेप्स हैं उनको करें और अपने अपने आप को अपने बॉडी को हेल्दी बनाए रखें। कुछ यहाँ पे नेम है योगा के जो आसन होते हैं उनके नेम्स हैं, जिस लाइक तारासन, पद्मासन, पवनामुक्तासन, सूर्य नमस्कार। देखो यहाँ पे भी ऐसा कहा गया, देखो दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल आसन्स, यानी सूर्य नमस्कार जो है वो बहुत सारे आसन्स का एक कॉम्बिनेशन है। पतंजलि ऋषि अष्टांग योग इंक्लूड्स यम। पतंजलि ऋषि जो है और उन्होंने अष्टांग योग में किसको इंक्लूड किया है, अष्टांग योग बोला जाता है पतंजलि ऋषि के थ्रू, इसमें इंक्लूड किया गया है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये जो है ये क्या है, अष्टांग है। क्या है ये, अष्टांग। मेडिटेशन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए, स्टूडेंट्स के मेंटली हेल्थी हर इश्यूज़ को लेकर, ठीक है, उनके डेवलपमेंट के लिए जो है मेडिटेशन भी बहुत ज़रूरी बताई गई है। इट डेवलप्स एन आर्ट ऑफ लिविंग, ये हमारे आर्ट ऑफ लिविंग को डेवलप करता है। इट डेवलप्स ए पॉजिटिव आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ, लाइफ की तरफ जो हमारे पॉजिटिव आउटलुक है उसे डेवलप करता है। योगा इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। और योगा जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल है, किसके लिए, हमारा हमें फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली और इस हमारे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए हमारे लिए बिल्कुल हेल्पफुल है। हाउ डू यू फील आफ्टर योगा सन ड्यूरिंग द प्रेयर असेंबली। आपको कभी प्रेयर असेंबली में आपने योगा किया होगा या योगा के कुछ स्टेप किए हैं तो उसमें आपको कैसा फील होता है, इफ़ यू हैव एन एक्सपीरियंस तो टीचर आप इसको डिस्कस कर सकते हो। व्हाई शुड वी डू योगा, हमें योगा क्यों करना चाहिए, एक शॉर्टली इसका आंसर मैंने यहाँ राइट करवाया है। व्हाई शुड वी डू योगा, वी शुड डू योगा टू स्टे हेल्दी एंड फिट, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, फिट रखने के लिए योगा नीडेड है। स्वामी विवेकानंद सेड फर्स्ट फॉर ऑल अवर यंगस्टर्स, स्वामी विवेकानंद ने जितने भी यंगस्टर्स हैं उनसे एक बात कही थी, यंगस्टर्स से, शुड बी मेड फिजिकली स्ट्रॉन्ग, कि हमारे जो भी यंगस्टर्स हैं वो कैसे होने चाहिए, फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। योगा एंड गेम्स मेक अवर बॉडी स्ट्रॉन्ग, योगा से और गेम्स से हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है, हेल्दी होती है, ब्यूटीफुल होती है, और इससे हम ये हमारे एंटरटेनमेंट का भी बहुत अच्छा सोर्स है। ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कंटिन्यूस एफर्ट्स की वजह से लैक ऑफ पीपल्स फॉर मैनी कंट्रीज सेलिब्रेटेड योगा डे ऑन 21 जून 2015। गवर्नमेंट के एफर्ट्स की वजह से बहुत सारे लाखों में लोग, बहुत सारे लैक्स में जो लोग हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ की योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। कब, 21 जून 2015 को योगा डे सेलिब्रेट किया गया बाय डूइंग आसन्स ऑफ योगा, योगा के आसन्स को करते हुए। दीज डेज मेनी फॉरेन हैव स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया, इस दिन बहुत सारे फॉरेनर्स हमारी कंट्री में आते हैं टू लर्न योगा, योगा सीखने के लिए। यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इसे 21 जून को योगा इंटरनेशनल योगा डे का डिक्लेयर कर दिया है। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर कर दिया गया है। ओके, देयर आर वेरियस कंपाउंड वर्ड्स कंटेनिंग योगा इन संस्कृत, योगा के बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो संस्कृत में कहा गया। योगा कैन टैक ऑन मीनिंग सच एज कॉन्टैक्ट, तो योगा से कुछ मीनिंग्स लिए गए हैं जैसे कॉन्टैक्ट, कनेक्शन, मेथड, एप्लीकेशन, यूनियन, एडिशन एंड परफॉर्मेंस। ओके स्टूडेंट, वी हैव स्टडीड टिल हियर, हमें यहाँ तक स्टडी किया है। अगर आपको रीडिंग में और इसके अंडरस्टैंडिंग में कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, आप अपनी पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो। ओके, हैव अ नाइस डे माई स्टूडेंट्स, बाय।